ये देख लीजिए, अब ये है और काफी वाइड व्यू है, मतलब जैसे मैं इसमें बैठूं तो मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती मतलब बैठने में। फोर सीटर होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे लगेज रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। इसका तो फील अलग है, इस प्राइस में ना कोई कन्वर्टेबल कार आती नहीं है, आती नहीं है, सही बात है। ये 21600 चली है, 600 चली, भाई कमाल है भाई। इसमें तो मुझे लग रहा है आपको शीशे देखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसी है गाड़ी। अब इसके अंदर छत आगे अगर 6 फुट का बंदा ही बैठा हुआ है या 6.5 फुट का ही बंदा बैठा हुआ है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चलिए 4000 ओनली 4000 आपने चला दी, नहीं तो 4000 से कम चली थी। 2021 से 4000 चली हुई है सिर्फ, ओनली 4000। न्यू शेप वाली कार है, टच स्क्रीन, रिवर्स कैमरा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री मार्ट के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपके लिए मोस्ट स्टाइलिश गाड़ी लेके आए हैं जिसे हम कहते हैं मिनी कूपर, और वो भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन, तीनों ही डिफरेंट हैं। और आज हमारे साथ होंगे हिमांशु भाई फ्रॉम ऑटो बेस्ट इंपीरियो, जो आपको बताएंगे सबसे पहले मिनी कूपर का इतिहास। कैसे हो भाई? बढ़िया भैया, आप बताओ कैसे हो? तो इतिहास से शुरू करते हैं फिर मिनी कूपर के। आज इतिहास से तो आपने बताना था, नहीं आप बताओ ना। ब्रिटेन की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ब्रिटेन से, जिसका चलन स्टार्ट हुआ, जो स्टार्ट हुई अपना करियर लेके ब्रिटेन से, इसकी अब ये तो BMW का अब बना है ब्रांड। हाँ जी, बट पहले जो था ये ऑस्टिन मिनी और मॉरिस मिनी के नाम से जाना जाती है, दो ब्रांड थे ये पहले। ठीक है, तो उस हिसाब से लॉन्च हुई थी ये गाड़ी। अच्छा, आज के टाइम पे इंडिया में क्या इनका मतलब रुतबा है? लेकिन मैंने अभी जैसे हम भी लेके आए, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ, हम भी इसे शोरूम से यहाँ इस लोकेशन तक लेके आए हैं, मतलब लोगों की नज़र नहीं हटती, सीधी बात। इतनी सुंदर कार है, छोटी सी हैचबैक होती है ये, टू डोर भी कह सकते हैं, थ्री डोर भी कहते हैं कई लोग। अब यहाँ पे अपने पास जो है दोस्तों वो एक नहीं दो नहीं तीन तीन है। एक तो रही ये मिनी कूपर, दूसरी है वो कन्वर्टेबल, तीसरी है वो रेड वाली। तो अब ये तीनों कितनी स्पेशल रहेंगी आपके स्टॉक की, ये बताओ। और वैसे स्टॉक में कितनी थी मिनी कूपर? हमारे पास अभी रिसेंटली 6 थी, तो 3 तो बिक चुकी हैं। ओके, 3 है हमारे पास, 2 हार्ड टॉप में है और 1 कन्वर्टेबल है। हार्ड टॉप और कन्वर्टेबल में क्या इंजन का भी फर्क होता है? नहीं, इंजन का कोई फर्क नहीं होता, ना फीचर्स का फर्क होता है, तो बॉडी शेल वगैरह सब कुछ सेम होता है, सिर्फ हार्ड टॉप और कन्वर्टेबल का फर्क होता है। सबसे पहले इस ग्रे वाली से शुरू करते हैं भाई। तो ग्रे वाली जो है हार्ड टॉप है, इसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलता है, रिवर्स कैमरा मिलता है गाड़ी में, 2 लीटर इंजन के साथ आती है ये गाड़ी। ठीक है, कन्वर्टेबल हो या हार्ड टॉप हो, आपको 2 लीटर इंजन ही मिलेगा, पेट्रोल सेम इंजन मिलता है। यस, तो ये लो चाबी और एक बार हमारे व्यूअर्स को एक बार विराजमान होके दिखाओ, क्योंकि आपकी हाइट तो मुझसे ज्यादा है। लोगों का ये कंसर्न रहता है कि इतनी पॉकेट साइज गाड़ी है, क्या इसके अंदर बंदा फिट बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। आप भी आओ, आप भी बैठ सकते हैं, मैं तो बैठ जाऊंगा, आप भी आओ, आप बैठो। तो ये है देखो दोस्तों अंदर से गाड़ी, बहुत ही क्यूट शेप की, बहुत ही छोटी, स्मॉलेस्ट हैचबैक आप कह सकते हैं इसको। आपको हर एक चीज लोडिंग करवानी पड़ती है इसमें ना। हाँ जी, मिनी कूपर में कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं आता, अब देने लग गए लोग, कहते हैं कि अब देने लग गए हैं, बट पहले जो होता था सब कुछ स्टैंडर्ड, कुछ नहीं आता था। जैसे आपको हरमन गार्डन में भी सिस्टम चाहिए इसमें। हाँ जी, हर एक चीज के पैसे हैं, पैनारोमिक सनरूफ स्टैंडर्ड आती थी। अब बात करते हैं इसको, जरा मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ, एक बार मेरे साथ आइए। ये दिखने में तो ऐसा लगता है कि भाई ये 2 सीटर ही गाड़ी होगी, लेकिन एक्चुअल में 4 सीटर कार है। पीछे की जो सीट में कितना स्पेस है ये जानते हैं हम, जरा इसमें बैठ के ये देख लीजिए। अब ये है और काफी वाइड व्यू है, मतलब जैसे मैं इसमें बैठूं तो मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती मतलब बैठने में। ठीक है, अब करना क्या है मुझे, इसको जरा एडजस्ट करता हूँ सीट को। तो ये मैंने आगे करी सीट, ठीक है, और ये चलेगी पीछे वाली सीट में। अब ये गया मैं पीछे वाली सीट पे, ये मैं बैठ गया। तो मेरी जैसी हाइट वाले बंदे के लिए तो मतलब मुझे लगता है बंदा कर लेगा मैनेज ट्रिप पे। अब पीछे अपने को पैनोरामिक रूफ दिखती है और पीछे अपने को स्पीकर्स दिखते हैं, कप होल्डर यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो इंतजाम पूरा किया हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ज़्यादा हेडरूम की आप उम्मीद नहीं कर सकते इस गाड़ी से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नीचे तो है ये गाड़ी। बट बैठ के ऐसा भी नहीं लगता कि जैसे कहते थे कि मैं पीछे कैसे बैठूंगा। हाँ, वो एक क्वेश्चन मार्क होता है कि हाँ मैं पीछे कैसे बैठूंगा। इजी टू इन आउट है, जैसे आपने बैठ के दिखाया है ये, राइट, और आपके जैसे हाइट का बंदा आराम से इजीली बैठ सकता है। अब इसके अंदर जैसे एग्जॉस्ट है, ये जॉन कूपर वर्क्स लगा हुआ है, तो इसके अंदर ये JCW किट लगी हुई है। ठीक है, ट्यून नहीं है इंजन, उसके पैसे होते हैं, ये JCW किट लगी, जैसे स्टेयरिंग पे JCW लिखा होगा, ठीक है, एग्जॉस्ट पे इसका JCW लिखा होगा, पीछे बैजिंग है JCW की, आपको यूनियन जैक टेल लैंप्स मिल जाएंगे पीछे। तो एक बार इसे स्टार्ट करके दिखाओगे हमारे व्यूअर्स को? तो एक बार अभी इसे स्टार्ट करते हैं, उसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं जो यहाँ पे जॉन कूपर वर्क्स लिखा हुआ है एग्जॉस्ट पे, कितना लाउड है एक बार हम भी जरा देखें। सही भाई, अभी स्टार्ट होने वाली गाड़ी है, तो ये एक अच्छा थंप आता है। तो अभी जैसे आइडल खड़ी हुई है,
तो फील हो, मतलब कैमरे में इतना जस्टिस नहीं हो पाता साउंड का, अब बंद कर दीजिए, कैमरे में इतना जस्टिस नहीं हो पाता, बट इन रियल लाइफ जब आप इसे फ्लाई बाय करते हो, इसे लेके जाते हो, तब आपको पता लगता है कि हाँ भाई गाड़ी की जो आवाज़ है वो क्या है। एक चीज़ में ना कन्फ्यूजन होगी मुझे, मुझे लगा इसका जो बूट है ना वो ऐसे और ऐसे खुलेगा, मतलब आधा आधा को जैसे। नहीं नहीं है, वो कन्वर्टेबल में सिर्फ ये वाला चीज़ नहीं चाहिए, इसमें ऊपर जाता है। हाँ ये देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो बूट स्पेस है वो पूरा जैसे नॉर्मली बूट खुलते हैं वैसे है। अब फोर सीटर होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे लगेज रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, इसमें छोटे छोटे लगेज आराम से आ सकते हैं। इसकी क्या डील दे रहे हैं मोटोबस पे? ये 18 मेकिंग 19 रजिस्टर्ड कार है, 21,500 किलोमीटर ड्रिवन है, सिंगल ओनर कार है। प्राइस की बात करें तो प्राइस ऐसा है इसका 37,75,000। अब बढ़ते हैं उस गाड़ी की तरफ जिस गाड़ी को मैं चला के आया हूँ बेसिकली, और मुझे उस गाड़ी से मतलब बड़ा प्यार हो गया है, वो है मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल। सबसे पहले उसी बूट की बात करता हूँ जिस बूट की मैं बात कर रहा था, ये ऐसे था, ये देखो ये इसमें ऐसे खुलता है जस्ट बिकॉज ये कन्वर्टेबल कार है। अब आप यहीं रहना, अभी आप इसकी शेप देखना कैसे बदलेगी, मैं ऐसे स्टार्ट करके इसकी शेप बदलता हूँ क्योंकि ये कन्वर्टेबल गाड़ी है। तो ये इसके अंदर मैं बैठ गया और ये अब जैसे अपन दोनों इसके अंदर बैठे हैं, तो ये स्टार्ट कर दी मैंने, FM को कर दिया बंद, अब ये मैंने दबाया बटन, बस जस्ट वन क्लिक। अब इसमें ऑप्शन क्या है आपके पास, ये भी ऑप्शन है कि आप सिर्फ इतना पार्ट भी इसका खोल सकते हो, बट अपने को इतना पार्ट नहीं खोलना, अपने को पूरी गाड़ी कन्वर्ट करके दिखानी है भाई। ये है पैसे भाई मतलब इसका तो फील अलग है, इस प्राइस में ना कोई कन्वर्टेबल कार आती नहीं है, आती नहीं है, सही बात है। मतलब आप ढूंढने जाओगे एसएल के ढूंढने जाओगे तो काफी शायद आपको पुराना मॉडल मिल सकता है, बट वो है ना एवरेज भी नहीं देती है, कहते हैं कि एक एवरेज नहीं मिलती है उससे, और वो डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट है, सही बट बिकता है ठीक है। कन्वर्टेबल के देखो कस्टमर लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड कार्स होती है मार्केट में, लिमिटेड कस्टमर्स भी होते हैं। मिनी कूपर मार्केट में बिक रही है ना, किस वजह से, एक तो कंटिन्यूटी है, छोटा सा प्रोडक्ट है, पावरफुल इंजन है, 2 लीटर इंजन है, 2 लीटर इंजन हम लोग डेली यूज कर ही रहे हैं, हर कार में आ रहा है। वो वाली कितनी चली थी? वो 21,500, ये 21,600 चली है, 600 चली। भाई कमाल है भाई, और कंडीशन देख लो इसकी आपके सामने है, बिल्कुल विजिबल ही होगा आपको, और ये कलर भी काफी भाई यूनिक है मेरे को लग रहा है, ये एक्वा मैरीन कलर कहते हैं इसे, एक्वा मरीन कलर, यस ठीक है जी। तो जैसे अगर अगर आप देखना चाहोगे, जैसे मैं ना थोड़ी सी से आगे चला के दिखाता हूँ, इस रोड पे चला के दिखाता हूँ, तो कैमरे में ना दिखेगा जब चलती हुई जो जो रोड पे इसकी जो फील है वो कैसे आती है, तो आप देखो मतलब इसमें तो मुझे लग रहा है आपको शीशे देखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसी है गाड़ी। पावर तो है इसमें, पावर तो है क्योंकि मैंने भगा के देखी थी इसको, 2 लीटर इंजन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, हर कंपनी यूज कर रही है 2 लीटर इंजन आज के टाइम में। आप ये देखो, अब दोस्तों मैं वापस आ रहा हूँ, अब मैं आपको वही पावर दिखा रहा था इसकी, रिवर्स कैमरा नहीं है, रिवर्स कि 16 मॉडल है ना। हाँ, तो अब देखो, अब जो फ्लाई बाय की मैं बात कर रहा था ना, अब ये देखो आप, 1 2 3 ये देखो, ये देखो, आया कि नहीं आया मजा, बहुत बढ़िया मजा आता है इतने पैसों में, तो कन्वर्टेबल का मजा इतने पैसों में, ऐसी गाड़ी मिलना तो मतलब अपने आप में ही वही होता है कि भैया यार इतनी अच्छी गाड़ी मिल रही है आपको तो क्या दिक्कत है। अब ये देखो, अब हमने इधर दोबारा से इसको उसी पोजीशन पे वहीं लेके आ गए, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि भाई ये जो गाड़ी है ये गाड़ी कैसी लगती है। अब इस गाड़ी की जो कंडीशन है वो हमने आपको बताई, 2016 है ये, 2016 है और सिर्फ चली हुई है 21,600 जो कि कुछ भी नहीं होता है किलोमीटर। अब जैसे अगर हम बाहर निकलते हैं इस गाड़ी से, स्टार्ट ही है गाड़ी, तो ये देखो अब जैसे उसके अंदर हाइट की प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई छत तो हटा नहीं सकते, अब इसके अंदर छत हटा के अगर 6 फुट का बंदा ही बैठा हुआ है या 6.5 फुट का ही बंदा बैठा हुआ है तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। पीछे से भाई बिल्कुल सेम कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे बताया था कि सेम इंजन सेम पावर सेम बॉडी शेप, जैसे हमने उसमें अंदर हार्मन गार्डन देखा, इसके अंदर नहीं, इसमें है। नहीं है, ये 16 मॉडल है, ये ओल्ड शेप कार थी, अच्छा ये भी ओल्ड शेप है बट वो थोड़ा लेटेस्ट फीचर्स के साथ आ गई थी, ये न्यू शेप कार है जो अभी दिखाएंगे हम। अब जैसे कन्वर्टेबल की अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो इसका शुरू से स्पेसिफिकेशन जानते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन है। ये 2016 मॉडल है, 21,100 किलोमीटर के अराउंड ड्रिवन है, 600 के किलोमीटर के अराउंड ड्रिवन है कार, और प्राइस की बात करें जायज, बिल्कुल बिल्कुल जायज, 3375 ऑन टेबल नेगोशिएबल कर लेंगे, कॉल करके करना हमारा काम है, कॉल करके पूछ लेंगे, मानशु भाई मिनी कूपर दे दो अच्छे प्राइस में, दूंगा जरूर दूंगा। तो ठीक है भाई, मिनी कूपर के लिए आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप हिमांशु भाई को जरूर कॉल करें इस गाड़ी की डील के लिए। इसके अलावा भी इनके पास बहुत ऑप्शन आते हैं। अब चलते हैं हम एक ऐसी गाड़ी की तरफ जो कि लेटेस्ट मॉडल है, जो कि बिल्कुल रीसेंट है, ज्यादा पुरानी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ये मिनी कूपर
एस हार्ड टॉप है, हार्ड टॉप है ड्यूल टोन में जैसे अभी है, तो ये स्टॉक ही ऐसी आती है? स्टॉक ही है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताइए, इसमें क्या क्या लोडिंग है और क्या मॉडल है? इसमें रिवर्स कैमरा, एम्बिएंट लाइटिंग आपका आ जाता है लोडिंग में, जैसे पैनोरामिक सनरूफ तो चलो आती है। ठीक है, फ्रंट की बात करें तो एज कम्पेयर टू लाइट का फॉग लैंप्स नहीं आएंगे इसमें, इसमें फॉग लैंप्स नहीं आते थे, लाइट्स का डिफरेंस आ गया था। हाँ, फॉग लैंप नहीं है भाई, सही बात है, फॉग लैंप इसके। अलॉय व्हील्स देखोगे, अलॉय व्हील का डिजाइन डिफरेंट है, उसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है। आइए जरा अंदर से इसको देखते हैं एक बार, अंदर से कैसी है गाड़ी। अंदर से ब्लैक टोन इंटीरियर है और इसमें जो है न्यू स्टीयरिंग आ जाएगा, टच स्क्रीन आ जाएगी। कितनी चली है भाई ये? चली है 4000 ओनली 4000। आपने चला दी, नहीं तो 4000 से कम चली थी। सही बात है भाई, इसका रिमोट की जो है वो हमारे, ये 4000 चली है, देखो मीटर पे भी साफ लिखा हुआ न्यू स्टीयरिंग है, यहाँ पे सारे टच बटन दिए हुए हैं, एम्बिएंट लाइटिंग आ जाएगी। ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है मुझे एज कम्पेयर टू, इसमें जैसे कि अलग सा डिजाइन दिख रहा है ना उसमें, एक बिल्कुल सीधी राउंड सा बस, वो एम्बिएंट लाइटिंग थी बस। अब जैसे भाई यहाँ पे वो जो इल्यूमिनेटेड डैशबोर्ड नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम भी वाला नहीं है, तो ये बेसिकली स्टॉक कार है, इसमें ज्यादा लोडिंग नहीं है, लेकिन जो बेसिक लोडिंग आती है वो तो प्रॉपर इसके अंदर है, वो है पैनोरामिक रिवर्स कैमरा, आज के टाइम में सबको चाहिए चाहिए, कुछ भी कह लो वो चाहिए चाहिए। जैसे उसके अंदर नहीं मिला था, मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है कुछ इसका, डिसेंट है, टच स्क्रीन भी आ गया ना इसमें, उनमें टच स्क्रीन नहीं है दोनों में, ये टच स्क्रीन हो गया। तो ये गाड़ी अभी स्टार्ट है, तीनों गाड़ियां भाई पेट्रोल में, तीनों पेट्रोल, डीजल बंद हो गया था बहुत टाइम पहले, आपको याद हो हमारे भैया की गाड़ी थी येलो कलर की मिनी कूपर, वो डीजल थी। हाँ राइट, हार्ड टॉप वाली, भैया बहुत चलाया, भैया को बहुत शौक है मिनी कूपर चलाने का, उन्होंने तो खैर उस पर पैसा ही बहुत लगा दिया, भैया ने तो बहुत पैसे और बहुत चलाई भी होगा, चलाई भी गाड़ी, उस पर पैसा ही बहुत लगाया, वो जिस कस्टमर के पास भी वो भी बड़ा मतलब खुशी होगा, मतलब क्या लोडिंग। मैंने बॉम्बे में बेची थी वो गाड़ी, मतलब उन्होंने तो स्टार लाइट ऊपर छत पे, स्टीयरिंग चेंज, हेडसेट, अलॉय व्हील्स वगैरह, बहुत कुछ था उस गाड़ी में, बहुत फुली लोडेड थी वो। अब इसका 360 व्यू एक बार पीछे से भी जैसे हम देख पा रहे हैं, गाड़ी तो काफी बढ़िया मिंट कंडीशन में है। जैसे काफी सारे लोग ना सेकंड हैंड गाड़ियों को लेकर ना ये सवाल उठाते हैं कि एक्सीडेंटल का बड़ा रहता है लोगों को, कि भाई मीटर टेम्पर्ड ना हो गाड़ियों का, एक्सीडेंटल ना हो, तो हमारी एंड से क्या श्योरिटी देते हैं हम कस्टमर्स को? तो इसी चीज के लिए तो ऑटोबेस बैठा है, प्रूफ करने के लिए, आप कंपनी चेक करा लो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड होता है सबसे पहली बात है, हम कस्टमर के पैसे क्यों लगवाए, हम उस चीज के पैसे खर्च कर चुके हैं ऑलरेडी, ऑटोबेस पैसे इन्वेस्ट करता है एक अच्छी चीज देने के लिए। हम लोग के पास कस्टमर आता है रिकॉर्ड, अभी मेरी बात चल रही है जैसे कस्टमर से कि भाई रिकॉर्ड दे दो, सर आओगे शोरूम गाड़ी देखोगे, टेस्ट ड्राइव दूंगा ना व्हीकल की, आप देखो तो गाड़ी समझ आती है फिर बात करेंगे इस बारे में, और रिकॉर्ड भी दूंगा, ट्रस्ट तब भी नहीं है तो, आफ्टर ऑल कंपनी तो है ही, वारंटी वाली गाड़ी कंपनी जाएगी, कंपनी कोई काम बोलेगी तो कंपनी करके देगी। ये 2021 है, 21 वारंटी है इसमें भी, वारंटी चेक करनी पड़ेगी, लैप्स ना हो गई हो। ठीक है, तो अभी अगर बात करें 2021 मॉडल की मिनी कूपर की, तो क्या बेस्ट डील रखी है, शुरुआत से शुरू करेंगे, 2021 है, 2021 है, 4000 चली हुई है सिर्फ, ओनली 4000, न्यू शेप वाली कार है, टच स्क्रीन, रिवर्स कैमरा ऑलरेडी है इसमें, जो आपने देखी थी कन्वर्टेबल इसमें नहीं थी, कैमरा भी नहीं था, टच स्क्रीन भी नहीं थी, आपने ग्रे वाली उसमें रिवर्स कैमरा है, टच स्क्रीन नहीं है। सही, प्राइस क्या दे रहे हैं बेस्ट? 4275। तो ये तो रही भाई मिनी कूपर की डील, जो हमने आज आपको सारे बजट में दिखा दी, तो जिसका जैसा बजट है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, उसको सबको मिल गई है, और ये दिल्ली में भी आप आराम से चलाओगे इस गाड़ियों को, क्योंकि ये गाड़ियां हैं पेट्रोल इंजन में, तो कोई ऐसा ना हो कि 16 मॉडल ले ली तो यार उसकी तो अभी लाइफ जल्दी से खत्म हो जाएगी, तो अभी पेट्रोल इंजन है तो भाई बहुत लंबी लाइफ है। कन्वर्टेबल लेना चाहते हो सस्ते प्राइस में तो 3375 में ये ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, देन नाडो ग्रे में इतनी सुंदर लगती है ये वाली, इस ये ले सकते हो आप, ये ले सकते हो 3775 ये है नेगोशिएबल प्राइस, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑटो बेस्ट इंपीरियो पे, हिमांशु भाई आपको डिटेल बताएंगे कैसे आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कैसे आप मेरी वेबसाइट पे भी सारा स्टॉक देख सकते हैं www.autobest.co.in पे, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8885888886 पे, मेरी टीम असिस्ट करेगी आपको। थैंक यू, हिमांशु इनका नाम है और इनका काम है आपको गाड़ियां दिलवाना, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट गाड़ियां मिले, इनके शोरूम पे आप विजिट कर सकते हैं, 7 डेज ओपन है। तो थैंक यू सो मच हिमांशु भाई, आपने टाइम निकाल के हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दी। तो इसी नोट के साथ मैं लेता हूं विदा, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।